শ্রী লক্ষ্মণ বেরা জুয়েলার্স, খাঁটি সোনা এবং সঠিক দাম। কার্তিক পূর্ব বাজার পোস্ট অফিসের সামনে, দূরভাষ 03-210-255-046। এলপি জুয়েলার্স, শুভ সময় সব সময়। কিভাবে নিজের মানসিক অবস্থা ও মেজাজকে সংযত রাখা যাবে, ব্যর্থতা থেকে কিভাবে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সাফল্যের সিঁড়ি, ছাত্রছাত্রীদের এরূপ একরাশ প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী। পরীক্ষা পে চর্চা 2020 এর অনুষ্ঠানে রাজস্থান থেকে আসা এক ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি পরামর্শ দিলেন শুনে নিন। देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। गुड मॉर्निंग सर, आई यशश्री फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल राजस्थान। माय क्लासमेट्स एंड आई आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर, तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है, सो सर प्लीज मोटिवेट अस एंड गिव सम सजेशंस टू फेस द एग्जाम्स विदाउट एनी स्ट्रेस एंड नर्वसनेस। थैंक यू। धन्यवाद यश्री। माननीय प्रधानमंत्री जी, यश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है, वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करें। मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से? ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। जैसे माँ ने आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूं, 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए, देखना। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं, 6 बजे कि नहीं बजे। तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। और फिर मां को आने में देर हो गई, वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है। माँ समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था। मूड पक्का यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा, ये सब हुआ, लेकिन अगर आपने ये सोचा करे माँ इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा कि मां 6 बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में होगी। मैं जरा देखूं मां को कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे बताइए मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा कि उन 5 जो पहुंच गए हैं उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपटाएंगे
यार आया नहीं, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, देखो लेट हो गया। उनका दिमाग उसमें हुआ, तीन ऐसे हो गए, अरे यार छोड़ आएगा। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे थे जैसे आपने ही किया है, किया ऐसा होता तक नहीं होता। और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट अखबार, पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था। अब सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे। मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए। और जब लास्ट कुछ मिनट से मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो मैं समझा कुछ अनहोनी, हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं करिए, मैं बैठा हूं। फिर एक 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहां बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया, चिंता मत कीजिए ऐसा करके। फिर मैं रात को करीब 3 बज गए थे, मैं अपने होटल पे गया। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं करता था। हमारी जो पीएमओ की टीम है तो वो अपने कमरे में चली गई थी। आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया, मैं चक्कर काट रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो यार सबको बुलाओ। तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे, सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे। और इन साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं लेकिन क्या सुबह 7, 7:30, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं मिलना चाहता हूं, मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता। और जिस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है कि देश के सपनों की बातें की। एक पूरा माहौल बदल गया और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं।
মা দুর্গা হসপিটাল, স্বাস্থ্যসাথী রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা কার্ডগুলির মাধ্যমে সমস্ত ওপেন মাইক্রো সার্জারি অপারেশন বিনামূল্যে করা হয়। তিনটি বড় অপারেশন রুম, লিফট সহ সেন্ট্রাল অক্সিজেনের সুব্যবস্থা, এছাড়াও ডায়ালিসিস ও আইসিইউ এর সুব্যবস্থা আছে। ঠিকানা কুলপি, থানার নিকট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। মোবাইল 9734106007, 8617848028। টিএমপি পাইক মেডিকেল পার্ক এন্ড রিসার্চ সেন্টার, পাশ করা ডাক্তার দ্বারা গ্যারান্টি সহকারে চিকিৎসা করেন। গ্যাস, ধাতু দুর্বলতা, স্বপ্নদোষ, সুগার, শীঘ্রপতন, বহুমূত্র, লিঙ্গ শিথিলতা, সহবাসে অক্ষমতা, যে কোনো যৌন রোগ, রোগা থেকে মোটা, মোটা থেকে রোগা, ফিস্টুলা, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, মহিলাদের সন্তানহীনতা, সাদা স্রাব, চোখের নিচে কালি পড়া, চুল উঠে যাওয়া, বাত ইত্যাদি, গোপনে মদ ছাড়ানো হয়। সচেতন দম্পতির জন্য সুখবর, 15 দিন ওষুধ খাওয়ার পর সন্তান হবে কিনা 100% গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ঠিকানা কাকদ্বীপ, ধনঞ্জয় ভিলা, প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে। মোবাইল 8582825696, 8582825697। অর্ধ শতাব্দীর পথে সুপরিচিত পদসভা, পদসভা মানেই ভালো জুতো, ব্যাস। ঠিকানা কাকদ্বীপ বাজার, থানার সামনে। ভারত সরকার স্বীকৃত সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন সুন্দরবন রুরাল কম্পিউটার লিটারেসি ড্রাইভ এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। এখানে কম্পিউটার বেসিক, IT, DTP, মাল্টিমিডিয়া, হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্ক ইত্যাদি শেখানো হয়। নতুন সেশনে ভর্তি চলিতেছে। এই প্রশিক্ষণ কেন শিখবেন দেখে নিন এক নজরে। ঠিকানা কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন হাই স্কুলের নিকট, বাংলার মাঠ। মোবাইল 9378180038। বিশেষ দ্রষ্টব্য, এখানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভূগোল ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন পড়ানো হয়।